बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी आलू कतलियाँ। बहुत ही यम्मी और झटपट से बनने वाली ये आलू की कतलियाँ हैं। आप इसे अपने अपने घरों में ज़रूर ट्राई करिएगा। आलू कतली बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो आलू इस तरह से स्लाइस किए हुए, दो अदद टमाटर प्यूरी किए हुए, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें कटिंग की हुई, धनिया गार्निश के लिए, और 1 अदद प्याज है कट की हुई। चलें जी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में हमने 3 से 4 चम्मच तेल को अच्छे से गरम करके इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देना है और ज़ीरे को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे कटिंग की हुई 1 अदद, और ढक्कन ढक के अच्छे से नरम होने के लिए 2 से 3 मिनट रख देंगे। चलें जी प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर अपने आलू ऐड कर देंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चलें जी आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये सब मसाले आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएं। चलें जी आलू फ्राई हो चुके हैं और अब हम इस स्टेज पर 2 अदद जो हमने टमाटर प्यूरी किए थे वो ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे और 5 से 7 मिनट तक इसे ढक्कन ढक के अच्छी तरह से गलने के लिए छोड़ देंगे। चलें जी अच्छी तरह से हमारे आलू गल चुके हैं और अब हम इस स्टेज पर 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करके अच्छी तरह आलू को फ्राई कर लेंगे। ये देखें जी हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अच्छे से गल चुके हैं और एक भी आलू हमारा टूटा नहीं है। ये देखें आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही यम्मी और यूनिक सी झटपट से बनने वाली ये आलू कतली रेसिपी है। चलें जी हमारी आलू कतली बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे और 1 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चलें जी मज़ेदार सी आलू कतलियाँ हमारी बिल्कुल बन के रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।